आप सभी का स्वागत है ई गैस पुजकेशन में। फ्री टैबलेट स्मार्टफोन वितरण का इंतजार आप लोग का काफ़ी लंबा हो चुका है। काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर आप लोग के हाथों में फ्री टैबलेट स्मार्टफोन कब मिलेगा। आप लोग को पता है कि आए दिन किसी ना किसी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट में हर दिन वितरण करवाया जा रहा है। कल भी यानी कि 14 मार्च को भी कई सारे कॉलेज में वितरण करवाया गया, साथ ही आज 15 मार्च को भी कई सारे कॉलेज डिस्ट्रिक्ट में वितरण करवाया जा रहा है और 21,000 विद्यार्थियों को जल्द ही फ्री टैबलेट स्मार्टफोन दिया जाएगा। इन सभी को लेकर सारी बातें विस्तार से करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक। तो सबसे पहले तो आप लोग ये नोटिस देख लीजिए जो कि जिला अधिकारी हमीरपुर की ओर से कार्यालय नोटिस जारी किया गया है, जहां पे श्री श्याम महाविद्यालय में आज यानी कि 15 मार्च को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण करवाया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप लोग को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी बताया तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि 13 मार्च को जो वितरण है वो मुजफ्फरनगर के सनातन धर्म कॉलेज में वितरण करवाया गया। इसके साथ ही आप लोग को बताया तो 14 मार्च को भी जो वितरण है वो डीवी कॉलेज मुजफ्फरनगर में करवाया गया। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस देखा कि हर दिन हर डिस्ट्रिक्ट में किसी ना किसी कॉलेज में वितरण करवाया जा रहा है, लगातार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग कॉलेज में वितरण करवाया जा रहा है, चाहे वो 11 मार्च की बात हो, 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च और आज 15 मार्च को भी कई सारी कॉलेज में वितरण करवाया जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने नोटिस भी देखा कि लगातार हर दिन किसी ना किसी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट में वितरण करवाया जा रहा है। साथ ही अगर आप लोग ये न्यूज़पेपर देखे जहाँ पे बताया गया कि 21,000 विद्यार्थियों को जल्द मिलेगा टैबलेट स्मार्टफोन, और ये जो पूरी जानकारी सामने आई है वो मुरादाबाद जिले से जानकारी सामने आई है कि यहाँ पे इलेक्शन से पहले तकरीबन 2,000 विद्यार्थियों को लाभ मिल चुका है और 20,000 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए चयन किया गया। इसके साथ ही अगर आप लोग यहाँ पे साइड में देखे जहाँ पे बताया गया कि जिला के 20,000 छात्रों को स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण किया जाएगा, जैम पोर्टल से खरीदारी पूरी हो गई और इसके संबंध में शासन से भी आदेश मिलेगा उसका पालन किया जाए। और यहाँ पे अगर यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट को लेकर बात की जाए, सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी को लेकर बात की जाए, अभी तक यूट्यूब टेलीग्राम के माध्यम से जितने भी छात्र छात्राओं ने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट किया, चाहे वो महाराजगंज हो, बस्ती हो, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थ नगर, इसके साथ ही आप लोग आगरा के होगा, मेरठ हो गया, प्रयागराज, वाराणसी, जितने भी छात्र छात्राएं यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग रहते हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो एक बात हम आप लोग को पूरी तरह से स्पष्ट कर दें कि अभी जो वितरण करवाए जा रहे हैं पूरी तरह से आप लोग के कॉलेज आप लोग के डिस्ट्रिक्ट के ऊपर निर्भर करते हैं कि आप लोग के कॉलेज कितना जल्दी अपने हिस्से का फ्री टैबलेट स्मार्टफोन अपने डिस्ट्रिक्ट के वेयर हाउसेज से पा लेते हैं, जिला अधिकारी से परमिशन ले लेते हैं, उतनी जल्दी आप लोग के कॉलेज फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण करवा देंगे। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट को कोई डेट दिया गया कि आप लोग इसी डेट पर वितरण करवा सकते हैं और आप लोग को इसी डेट पर वितरण करवाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट को एक डेट दे के कह दिया गया कि आप लोग को इससे पहले वितरण नहीं करवाना है या फिर आप लोग को इस डेट पर वितरण करवाना है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत, हमने कई सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखा, वहाँ पे कमेंट देखा है छात्रों के, जहाँ पे आप लोग अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नाम कमेंट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि आखिर इस डिस्ट्रिक्ट में वितरण कब करवाया जाएगा। जाहिर सी बात है हम समझ सकते हैं कि आप लोग के फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का जो इंतजार है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। कई सारे छात्र निराश भी हो चुके हैं कि आखिर उन्हें फ्री टैबलेट स्मार्टफोन अब लगता है कि नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग लास्ट ईयर में हैं, आप लोग को मैसेज आ चुका है, आप लोग का डाटा वेरीफाइड हो चुका है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हाँ, इंतजार आप लोग को करना पड़ा, इंतजार भी थोड़ा लंबा हो गया, तो जहाँ आप लोगों ने इतना इंतजार किया है वहाँ पे थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, आप लोगों को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिल जाएगा। किसी भी डिस्ट्रिक्ट को कोई भी डेट नहीं दिया गया कि आप लोग को इसी डेट पे वितरण करवाना है, पूरा जो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण है वो आप लोग के कॉलेज वो आप लोग के डिस्ट्रिक्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग के कॉलेज जितना जल्दी अपने हिस्से का फ्री टैबलेट स्मार्टफोन पा लेंगे उतना जल्दी आप लोग को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण करवा देंगे। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करते रहिए, वो आप लोग को पूरी बातें बता देंगे कि आखिर कब वितरण करवाना है। उनके कॉलेज में लिस्ट पहुँच चुका है या फिर जो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का स्टॉक है वो पहुँच चुका है, और मेरे पास अभी तक यूपी के अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट से जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से अभी होली के पहले जो वितरण है वो फिलहाल थोड़ी धीरे रफ्तार में करवाई जा रही है, लेकिन होली के बाद जल्द से जल्द जो वितरण है वो करवा दिया जाएगा। जिस भी कॉलेज में फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का स्टॉक पहुंच चुका है वहाँ पे 5 से 6 दिन में जो वितरण है वो शुरू हो जाएगा, और जिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में अभी तक फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का स्टॉक नहीं पहुंचा है तो आप लोग मान के चलिए कि 20 मार्च के बाद उन कॉलेजेस में फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का स्टॉक पहुंच जाएगा और होली के बाद से जो रफ्तार में जो काम है वो करवाए जाएंगे, काफ़ी तेज़ी से जो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण है वो करवा दिया जाएगा। तो आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम अपने यूनिवर्सिटी का नाम शेयर कीजिए, वहाँ से मेरे पास जो भी जानकारी आएगी वो हम आप लोग को बता देंगे। अभी मेरे पास जो पूरी जानकारी है यूपी के
अलग अलग यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट से यही बातें सामने आ रही हैं। और जैसा कि हमने आप लोग को नोटिस भी दिखाया कि हर दिन हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो वितरण है वो करवाया जा रहा है, तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, आप सभी लोगों को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। और जितने भी छात्र छात्राएं निराश हो रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल भी निराश नहीं होइए। अगर आप लोग फाइनल ईयर में हैं, आप लोग को मैसेज आ चुका है, तो बस आप लोग थोड़ा और इंतजार कीजिए, आप लोग को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, और कोई सवाल आप लोग के रह गए हो तो अपने सवाल को भी कमेंट करें।